स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर था में। दोस्तों इस वक्त अगर हम आज की रेट की बात करते हैं, आपको एक जबरदस्त टेंशन देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें म्यूचुअल फंड प्लान पर और स्टॉक मार्केट पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें इसराइल और ईरान का एक वॉर स्टार्ट हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पर जरूर पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे और बहुत सारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर हमें म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना है इस वक्त, और वो भी लमसम बैंक FD की तरह हम पैसे को डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर हम पैसे को निवेश कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप बैंक FD में पैसे को डालते हैं तो 7.5% से ज़्यादा ब्याज दर आपको नहीं मिलती है, और लॉन्ग टर्म में भी आप कोई ज़्यादा बड़ा फंड नहीं बना पाते हैं जब आपका टारगेट कम पैसे निवेश करने का होता है तब। लेकिन इस वक्त अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान की बात करें तो लगातार पिछले 4 साल कोरोना लॉकडाउन के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ था तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम पिछले 3 दशक की बात करें तो सबसे बड़ा टेंशन हमारे सामने मौजूद है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा हमें करेक्शन दिखा सकती है, वो भी 8 से 10% का, जिसका अंदाज़ा पहले से भी लगाया जा रहा था। क्योंकि दोस्तों सभी कंपनियों की वैल्यूएशन टॉप लेवल पर हैं, उसमें चाहे से हम स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, मिड कैप या फिर लार्ज कैप की, लगातार 4 साल से पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड प्लान और स्टॉक मार्केट में डाला है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें दिखता है कि सभी कंपनियों के वैल्यूएशन अपने पी रेशियो से भी कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें बैंक FD की तरह ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार लमसम 1,42,000 रुपये का निवेश करना है, और यहाँ पर हम कम रिस्क के साथ अगर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास आज भी एक ज़बरदस्त मौका मौजूद है जहाँ पर हम HDFC के एक दमदार म्यूचुअल फंड में 5,53,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, वो भी 1,42,000 रुपये का निवेश करके। लेकिन उसके लिए दोस्तों अगर आप ये समझते हैं कि फंड कैसा है और फंड के अंदर अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है 8 से 10% का मार्केट के अंदर, उसके बाद फंड की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है, फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट हमें दिख सकता है, अगर आप ये सारी चीज़ समझकर इस दमदार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालते हैं तो फिर यहाँ से आप एक बड़ा फंड आसानी के साथ बना सकते हैं। क्योंकि इस फंड ने पहले भी बड़े करेक्शनों को फेस किया है, उसमें एक सबसे बड़ा करेक्शन 2020 कोरोना लॉकडाउन का भी है। इससे पहले शॉर्ट टर्म में 2017 में एक करेक्शन आया था, हम उसकी बात कर लें, या फिर अभी एक मार्केट क्रैश हुआ था अगर हम बात करें तो 4 जून को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। देखिए उन सभी करेक्शनों को फेस करने के बाद भी इस फंड ने अभी तक भी रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त दिया है, और दोस्तों इस फंड के अंदर अभी भी आपके पास एक मौका बनता है। तो इस वीडियो में हम इस फंड की डिटेल के साथ ये देखेंगे कि अगर आप लमसम बैंक FD की तरह एक बार 1,42,000 रुपये डालते हैं तो इस फंड के अंदर आप कैसे 5,53,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले फंड की हम बात करते हैं, तो ये फंड हमारे पास है HDFC का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और दोस्तों हम जिस बड़े करेक्शन की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये 2020 का एक लॉकडाउन का करेक्शन है जब मार्केट क्रैश हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक करेक्शन आपको देखने के लिए मिला है, और इसके अलावा यहाँ पर 2017 के बाद एक करेक्शन जरूर था। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिछले 2-3 साल के बाद से लगातार फंड में हमें काफी जबरदस्त रिटर्न मिला है 2022 से लेकर अब तक। लेकिन अगर हम ऑल टाइम के फंड के रिटर्न की बात करें तो एनुअलाइज फंड ने हमें करीब 23% का रिटर्न दिया है। पिछले अगर हम 5 साल की भी बात कर लें तो फंड के अंदर 31% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। 3 साल में फंड ने 29% का रिटर्न, 1 साल में 48% और 6 महीने में फंड के अंदर हमें 23% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। यानी लगातार अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो इस फंड ने हमें काफ़ी कमाल का रिटर्न बना कर दिया है। और दोस्तों ये हमारे पास है एक लमसम कैलकुलेटर, ये हम एक बार चेक करते हैं कि हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर अगर 1,42,000 रुपये हम इस फंड के अंदर डालते हैं और फंड में 22% का रिटर्न है, इतना ही रिटर्न अगर हमें मिलता है। यहाँ पर अगर हम इस पैसे को निवेश करने का जो टारगेट है अगर उसे रखते हैं स्टार्टिंग सिर्फ यहाँ पर 6 साल का, तो दोस्तों यहाँ पर 1,42,000 से 6 साल में हम 4,68,000 का फंड बनाएंगे। इसमें 3,26,000 का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे को निवेश करते हैं दोस्तों 12 साल तक के लिए, तो फिर हम 1,42,000 रुपये का निवेश करके 15,43,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 14 लाख का रिटर्न। और दोस्तों अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 18 साल के लिए, तो फिर हम 1,42,000 रुपये का निवेश करके 50,90,000 का फंड बनाएंगे, 49,48,000 का रिटर्न। लेकिन अगर हम इस फंड के अंदर 24 साल तक इस पैसे को डालते हैं तो फिर हम 1,42,000 रुपये का निवेश करके 1,67,00,000 रुपये का फंड बनाएंगे और 1,66,00,000 का रिटर्न। और दोस्तों अगर हम 30 साल तक इस दमदार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ से हम 5,53,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं और 5,42,00,000 तक रिटर्न हमें मिल जाएगा।
यानी यहाँ पर इस फंड के अंदर अभी भी हमारे पास एक जबरदस्त मौका है पैसे को निवेश करने का। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फंड का पोर्टफोलियो। यहाँ पर होल्डिंग में कुल मिलाकर 73 दमदार कंपनी है फंड के पोर्टफोलियो में, जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें मिड कैप कैटेगरी की दोस्तों काफी दमदार कंपनी है। इसमें अगर हम द इंडियन होटल कंपनी की बात करें तो दोस्तों सर्विसेज सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, IPCA लेबोरेटरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, अरबिंदो फार्मा और इंडियन बैंक, यानी यहाँ पर ये दमदार कंपनी है फंड के पोर्टफोलियो में, जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों इन सभी कंपनियों में हमें फ्यूचर में भी एक जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है, जिसका फायदा आज हम पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं। दोस्तों फंड के अंदर इक्विटी में 92% पैसा और कैश में 7.9% पैसे को यूज किया गया है। दोस्तों इक्विटी सेक्टर लोकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अदर सेक्टर की कंपनीज में 24%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 22%, हेल्थ केयर में 14%, कैपिटल गुड्स में 9%, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल, इनके जितने भी ये दमदार सेक्टर हैं इन्हीं में पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों इन सभी सेक्टरों में हमें फ्यूचर में भी एक जबरदस्त ग्रोथ आने वाले टाइम में मिल सकती है। दोस्तों अगर हम फंड के बीटा की बात करते हैं तो यह 0.19। दोस्तों इससे पता चलता है कि फंड के अंदर हमें कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, खर्चा ये भी काफी कम है 0.72% का, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो फंड का जो भी होता है ये पैसे काटकर NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट लॉट 1% है। अगर हम एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% है। एक साल से पहले, एक साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना होता है। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं तो चिराग 2013 से और ध्रुव 2023 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो रैंक एसेट के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। 1999 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 7,57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड के पास UM है। तो दोस्तों HDFC के इस दमदार म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम पैसे को निवेश करते हैं लमसम बैंक FD की तरह, और यहाँ पर मार्केट में अगर एक बड़ा करेक्शन आता है तो उसके बावजूद भी इस फंड के अंदर हमें एक जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है, तो यहाँ पर हम पैसे को निवेश करके अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।